हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वेलनेस स्टडी पर। आपको पता होगा कि चल क्या रहा है आपका पारा मेडिकल का 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। 2015 का हो चुका है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये 2016 का ख़त्म होते ही मैं 2014 और 2013 का भी करा दूंगा। तो नए है तो चैनल को से ज़रूर जुड़ जाइएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन चला जाए। अगर नहीं भी जाता है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का, टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए आप लोग, और मेरे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ भी मैं इसको शेयर कर देता हूँ अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो, क्योंकि यूट्यूब का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें काई सेट का आपका फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथ का हो गया। आज क्या पढ़ेंगे हम? बायो का पढ़ेंगे, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश और जीके का पढ़ेंगे। तो इसी तरह जिस तरह से पहले का वीडियो का रिस्पांस दे रहा है उसी तरह इसका भी दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी दिक्कत हो रहा है वो कमेंट करिए या जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका भी कमेंट करिए, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। अब पहले ही मैं बता दिया था कि क्वेश्चन में आंसर टिक कर दिया गया है, मैथ में ऐसा नहीं किया गया है लेकिन और सब में कर दिया गया। आप लोग कहे हैं तभी मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, ऑर्थोपोडा का जंतु कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा का कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दीमक। दीमक का मतलब हुआ जो आप जानते हैं ना जोंक, देहात भाषा में बोलते हैं जोंक, उसी को हम दीमक कहते हैं, या फिर नहीं दीमक बोला जाता है जो आप देखते हैं किसी लकड़ी उकड़ी में ना होता है, उसमें रहता है और उसको लकड़ी को खाता है, उसी को हम दीमक कहते हैं। और ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जीव आते हैं ऑर्थोपोडा में। इसको याद करने का एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्थोपोडा के कोई जीव है कि नहीं उसके लिए आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जिस भी जीव का गोड़ जो है 5-6 गो 10 गो 12 गो हो तो वो सभी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। जैसे चींटी हुआ, मक्खी हुआ, इसके अलावा और जो हो गया जोंक भी आ जाएंगे, दीमक भी आ जाएंगे, ये सभी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जोंक यहाँ दिया है कंफ्यूज करने के लिए, जोंक आपको आ जाएगा सरीसृप में, क्योंकि वो चलता किस तरह से है धरती पर, एकदम ऐसे चलता है शॉर्ट के जैसे सांप चलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की O2 बनी है तो किस चीज़ की बनी है? तो वो बनी है हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, इसी से ना होता है, पेड़ पौधा क्या करता है प्रकाश संश्लेषण करता है तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, और वो हरा पौधा क्या करता है हम लोगों से CO2 ले लेता है और हम लोगों को O2 दे देता है, तो हम लोग सांस लेते हैं और वो CO2 लेकर अपना भोजन बनाने में उपयोग करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कहाँ संग्रहित की जाती है? तो की जाती है ATP में होती है, और ATP के रूप में होती है, यह ऊर्जा इसी तरह से संग्रहित होती है। चलिए 64 नंबर, थायरॉक्सिन स्रावित होता है तो थायरॉक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो वो होता है थायराइड से, ऑप्शन नंबर ए, थायराइड से स्रावित होता है क्या थायरॉक्सिन, यह क्वेश्चन जरूर पूछता है। जितने भी पार्ट से आपको स्रावित होता है, जैसे पीयूष ग्रंथि है तो पीयूष ग्रंथि से मुझे बताइएगा पीयूष ग्रंथि कहाँ से स्रावित होता है, या अग्न्याशय से जो पित्ताशय से स्रावित होता है, पित्ताशय से पित्त स्रावित होता है और वो अग्न्याशय में जाकर जमा होता है, उसी तरह थायरॉक्सिन जो है स्रावित होता है थायराइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितनी कशेरुकाएँ होती है? तो बताइए कितने होती है, तो बताना क्या है, तो आंसर दे दिया है 33 गो होता है। तो मुझे आप कमेंट करके ये बताइएगा कि कान में कितने हड्डी होते हैं, और आपके चेहरा जो है चेहरा फेस में कितने हड्डी होते हैं ये मुझे बताइएगा, सिर्फ फेस में कितने हड्डी और कान में कितने हड्डी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 66 नंबर, दूध प्रोटीन है किसका है? तो वो केसिन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस तत्व की कमी से पादप की पत्तियां पीले रंग की दिखाई देने लगती है? तो वो होती है पोटेशियम के कारण, पोटेशियम के कारण यह पीला दिखाई देने लगता है। और यह भी जान लीजिए कि पेड़ पौधा के जो पत्ता है ना, उसमें मैग्नीशियम भी होता है। क्या? मैग्नीशियम तत्व भी होता है आपके पेड़ पौधा में क्लोरोफिल के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और पीला क्यों दिखाई देता है? तो ये पोटेशियम के कमी के कारण पीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं, तो कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं रसदार में, ऑप्शन नंबर ए, रसदार में होते हैं। चलिए 69, जीन को हम निम्न तरीके से व्यक्त करते हैं। तो जीन जो है, जीन हमारा ना होता है, जीन से ही पता चलता है कि हाँ इनका बेटा है या उनका बेटा है, इसे डीएनए टेस्ट भी बोला जाता है। तो यह जीन जो है ना, यह है अनुवांशिक की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए। तो पूछ देगा अनुवांशिक की इकाई क्या है, तो वो है जीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की शलाका प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाओं में पाए जाने वाले बैंगनी लाल वर्णक रोडोप्सिम एक व्युत्पन्न है, तो किसका है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आप बताइएगा मुझे आप लोगों को कि मैथ का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि उसमें क्या है ना कि थोड़ा पंखा का आवाज़ के कारण थोड़ा शोर हो रहा होगा, लेकिन जब मैं बोल रहा होऊंगा उस टाइम वो शोर नहीं लेता होगा, तो उसको कॉपरेट करिएगा। क्योंकि गर्मी बहुत कारण है और अकेले पढ़ाया जाता है तो गर्मी फील होएगा, तो इसीलिए पंखा चलाना पड़ा। तो कोशिश करिए कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कराइए, और ताकि मैं भी उस पंखा को दूर कर सकूं और क्या लगा सकूं कि जो शोर ना कर पाए, आप जानते हैं। तो चलिए 71 नंबर, पेंसिलिन निम्न में से किसे प्राप्त होता है? तो वो होता है कवक से। अब बताइएगा पेंसिलिन के खोज किसने किया था, ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 72, डीडीटी को पेस्टिसाइड की तरह प्रयोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह आसानी से विघटित नहीं होता है इसीलिए। अब डीडीटी का काम क्या होता है? पानी में छिड़क देना, उसमें फैल जाएगा तो वो जो जीव कीड़ा मकोड़ा होगा वो नहीं बैठेगा, लेकिन जो ये पेस्टिसाइड जो है ये आसानी से घुलेगा ही नहीं, देख रहे हैं, ये आसानी से विघटित नहीं होगा, तो काय ला यूज करेंगे हम उसमें, इसीलिए नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 73, ताप नियंत्रण केंद्र किस भाग में स्थित है? तो वो है आपके हाइपोथैलेमस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खरगोश घास पर निर्भर करता है, चील कभी कभी खरगोश को खाती है, अन्यथा अन्य शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करती है, उत्पादक उपभोग और द्वितीय उपभोग के संबंध में कौन सा सही क्रम है, ये बताइए। तो पहले घास आएगा, घास को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा, और खरगोश को कौन खाएगा? तो चील खाएगा। यही एक क्रम होगा, और यह क्रम एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर देखे होंगे मैथ सॉरी साइंस का बुक 6ठा में 8ठा में, तो इस तरह से दिया होगा, शेर घास दे देगा, बकरी दे देगा, शेर दे देगा, इस तरह से चलते रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो यही तीन को दे दिया है, तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 75, तो 75 नंबर क्या है? वह हानिकारक पादप जो भारत में हानिकारक जलीय घास बन गया, तो वो है आइस कोर्निया कैप्रिपस, ऑप्शन नंबर डी बी। चलिए 76, दूध के किण्वन के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, तो वो है लैक्टोबैसिलस, इसी के कारण दूध जो है किण्वनित होता है और दही में बन जाता है, ठीक है, इसीलिए लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित में से मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु, तो वह कौन है? तो वह है ई कोलाई, समझ गए। चलिए 78 नंबर बता दीजिए, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र में शर्करा उत्सर्जन का कारण है, तो कौन है? तो वो है बेसोप्रोसिन का अधिक स्रावित होना,
क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बताइए कहीं तो ठीक है। देखिए एलिफेंटिस रोग का कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली है, तो वो है प्रोटोजुआ का है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, तो वो है कोशिका विभाजन की मीओसिस प्रक्रिया होती है तो कहाँ होती है, तो होती है जनन कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिका में होता है कोशिका विभाजन का कार्य। अब मुझे ये कमेंट करके बताइएगा, जो भ्रूण होता है पेट में बच्चा होता है तो उसको भोजन किस रूप में जाता है और जाता है तो किसके माध्यम से जाता है, ये कमेंट करके मुझे बताइए आप। तो चलिए ख़त्म हो गया, मिलेंगे हम आपसे इंग्लिश हिंदी में। तो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।